जय पेरियार जय भीम, और जय जय फूले जय भीम, जय जय सावित्री जय भीम। साथियों, आज संविधान दिवस है और जैसे साथी सब साथियों ने कहा, आज संविधान पे ही सबसे ज्यादा खतरा है। खतरा यह है कि संविधान को हटा के मनुस्मृति को लागू करने की पूरी पूरी कोशिश जारी है। अगला चुनाव आरएसएस वाले बीजेपी वाले जीत जाते हैं तो आप यह सोच लीजिए, यह समझ लीजिए कि मनुस्मृति लागू होने वाली है, यह तय है दोस्तों। और उसके जो ये जो मनुस्मृति है और जो मनुवादी विचार है, उसकी जो स्थिति है वो तो हमको पहले से ही दिखाई देती है। वो समाज को पहले से चला रही है। वो कैसे? वो ऐसे कि जालौर की घटना हम सबको याद है कि 9 साल के बच्चे को सिर्फ पानी का मटका छूने के लिए पीट पीट के मार दिया जाता है। ये हमारा समाज है, मनुवादी व्यवस्था है। शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है, सोचना चाहिए हमें। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मूछे रखने के लिए, घोड़ी चढ़ने के लिए एससी के साथियों को पीट पीट के मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ मनुवादी लोग, कुछ तथाकथित सवर्ण लोगों को दिक्कत होती है उससे और इनकी मनुवादी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सोचिए, मानवता की बेसिक चीजों की वजह से इनकी मनुवादी व्यवस्था बिगड़ जाती है, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था अपने आप में गैर मानवतावादी है, अमानवीय है, और इससे ज्यादा अमानवीय व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है दोस्तों। क्योंकि दुनिया में छोटा बड़ा तो है लेकिन झूठ, ऊंच ऊंच नीच तो है लेकिन छूत अछूत तो कहीं भी नहीं है। कोई पवित्र और कोई अपवित्र, ये वाली बात तो कहीं भी नहीं है। और जैसे मनुस्मृति में अब ये बात ही है दोस्तों, मैं आज जो आज आप सबसे अपील करना चाहता हूं, समय भी कम है तो जल्दी से अपील करूंगा। अपील ये है दोस्तों कि ये मनुवादी व्यवस्था जो लागू हो रही है, इसके खिलाफ हमको खड़ा होना पड़ेगा। और अरे एक मिनट, हाँ, तो हमको आज इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा इसलिए होना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ये जो स्थिति है ये लगातार लागू होती जा रही है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इन्होंने दे दिया, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इन्होंने दे दिया। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है क्योंकि संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो इसलिए थी कि सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण की व्यवस्था मिलेगी, ये था उसका नियम। और इन्होंने क्या कर दिया, जिन लोगों को पैदाइशी मंदिर का अधिकार मिल जाता है, जिन लोगों को पैदाइशी संसाधन का अधिकार मिल जाता है, जिन लोगों को पैदाइशी जमीन का अधिकार मिल जाता है, उन्हीं को आरक्षण दे दिया। आप सोचिए इस देश में निर्माण मजदूर कौन है, कौन सी जातियों से आते हैं, इस देश में किसान कौन है, कौन सी जातियों से आते हैं, खेत मजदूर कौन है, कौन सी जातियों से आते हैं, हमको देखना चाहिए दोस्तों। वो एसटी ओबीसी से आते हैं। तो आरक्षण की व्यवस्था चाहे गरीबी के तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, चाहे शैक्षणिक तौर पे हो, पिछड़ों को ही मिलनी चाहिए और यही उसकी व्यवस्था थी दोस्तों। अब आखिरी बात, मैं जल्दी से जो अपील आपसे करना चाहता हूं दोस्तों, जो हम बार बार ये बात करते हैं कि मनुवाद ब्राह्मणवाद, ये बातें करते हैं हम लोग, करते हैं ना लगातार, तो मनुवाद ब्राह्मणवाद क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस मनुस्मृति में क्या लिखा है वो आपको बताना चाहता हूं। तो मनुस्मृति 2000 साल पहले लिखी गई मनु के द्वारा, और उसने इस ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबूत किया है, जातिवाद की जड़ों को मजबूत किया है। और उसमें क्या लिखा है मनुस्मृति की, और ये सारी बातें आप चेक करिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा है पहले जानो फिर मानो। पहले आपको समझना होगा, तार्किक तौर पे समझना होगा, अनुभव से जो सीखेंगे उसी को मानना चाहिए। तो इसीलिए आप पढ़िए इस बात को कि मनुस्मृति के पहले अध्याय में ये लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जांगों से वैश्य पैदा हुए और पैरों से शूद्र पैदा हुए। इसीलिए इसी अध्याय के 93वें श्लोक में लिखा है कि, और 8वें अध्याय में मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों का काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना है। 8वें अध्याय में यह भी लिखा है मनुस्मृति के कि अगर कोई शूद्र किसी अपर कास्ट को ऊंची आवाज में बात करे तो उसके मुंह में कील ठोक देनी चाहिए। मनुस्मृति यह भी लिखती है कि महिलाओं को जीवन भर पुरुष के अधीन रहना चाहिए, पहले पिता के अधीन, फिर पति के अधीन, फिर लड़के के अधीन। ये लिखा है मनुस्मृति में 9वां अध्याय, ये कोट कर रहा हूं, आप जाके चेक करिए, 9वें अध्याय में लिखा है। 8वें अध्याय में ये लिखती है मनुस्मृति कि अगर कोई धर्म उपदेश दे ब्राह्मण को तो उसके मुंह में गरम तेल डाल देना चाहिए, ये लिखती है मनुस्मृति। तो ये ऐसी बातें जिस मनुस्मृति में लिखी है, ऐसी बातें जिस मनुस्मृति में लिखी है उसके खिलाफ बाबा साहब ने संविधान बनाया है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा, न्याय के आधार पर सब कुछ होगा, और जाति में कोई किसी भी जाति का हो सब बराबर है, सब साथी हैं, चाहे महिलाएं किसी भी जाति की हो सब बराबर है। और एक और बात मैं बताऊं, मनुस्मृति में सिर्फ शूद्र महिलाओं के बारे में नहीं लिखा दोस्तों, सारी महिलाओं के बारे में लिखा है ये,
कि महिला को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, यह कहती है मनुस्मृति, कि महिला को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, यह कहती है मनुस्मृति। अगर संविधान नहीं होता दोस्तों तो क्या हम यहाँ पर बैठ सकते थे? क्या हम बराबरी का अधिकार पा सकते थे? क्या अपनी बात रख सकते थे? तो एक और आखिरी अपील ये कि हाई कोर्ट में, आप सोचिए ब्राह्मणवादियों की मनुवादियों की साजिश, हाई कोर्ट में 1989 से मनु की मूर्ति लगी है। इस मनु की जो ये लिख रहा है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं है, शूद्रों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, कोई शूद्र अगर किसी अपर कास्ट व्यक्ति के साथ में बैठ जाए तो उसके पीछे का हिस्सा काट देना चाहिए, आठवां अध्याय मनुस्मृति ये लिखती है। ऐसी मनुस्मृति, ऐसी मनुवाद की रचना करने वाला व्यक्ति मनु, उसकी मूर्ति हाईकोर्ट में लगी है। आप सोचिए जो संविधान से चलने वाला हाईकोर्ट है, जिसकी जज संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं, जिसके सारे अधिकारी संविधान की शपथ ग्रहण करते हैं, जो सरकार संविधान से चलती है, उस सरकार की, उस उन लोगों ने मनु की मूर्ति हाईकोर्ट में लगाई है, तो इसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए आप, होना चाहिए ना खड़ा? सब बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए, इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना? तो दोस्तों हम 25 दिसंबर को, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने इस मनुस्मृति को जलाया था और कहा था ये महिलाओं के खिलाफ है, ये शूद्रों के खिलाफ है, उसी 25 दिसंबर को सारे राजस्थान से लोग आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। और आप सबसे, महिलाओं से अपील करना चाहता हूं कि आप बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई, क्योंकि ये सिर्फ शूद्रों के खिलाफ नहीं है दोस्तों, ये हर जाति की महिला के खिलाफ है, ये हमको समझना होगा दोस्तों। धन्यवाद चाहते हो, जय भी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह।